भारत ने दिखाया दम और आतंकियों पर गिरे बम। देश को था जिस पल का इंतजार, वो घड़ी आ ही गई। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह 3:30 बजे मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार POK में घुसकर हमला किया। 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो बम बरसाए। वायुसेना की बरसाई गई इस आग के गोले में कई आतंकी कैंप तबाह हो गए। आगरा और बरेली एयरवेज से उड़ान भरते हुए भारत ने 13 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस हमले में 200 से 300 के बीच आतंकियों का सफाया हुआ। 21 मिनट तक बरसाए गए इन बमों में बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकानों को तबाह किया गया। वायुसेना ने इस अभियान के लिए लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। ऐसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाली संभावित कार्रवाई के मद्देनजर किया गया है।